सुनाओ, यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं एक नया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं आई डॉट सी पे काम कर रहे थे, नाउ क्रिएट करेंगे जे डॉट सी, ठीक है। तो मैंने कहा न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, एम्प्टी फाइल, हमने उसको सेव किया, सेव कहाँ हो रहा है, सी प्रैक के अंदर, हमने उसको नाम दिया जे डॉट सी, ठीक है। नाउ एंट्री पॉइंट बनाएंगे, मतलब कि हमारा मेन फंक्शन, तो हमने यहाँ पर कहा इंट मेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज बॉडी क्रिएट किया, नाउ लास्ट में हमको करना है रिटर्न जीरो, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स जो कि मैंने यहाँ पर परफॉर्म कर दिए। नाउ प्रिंट एफ हम यूज़ करेंगे, करने वाले हैं, तो इंक्लूड करना पड़ेगा हमको इसमें एस टी डी आई ओ डॉट एच। हमने यहाँ पर कहा हैज इंक्लूड, हैज इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर। तो जब भी आप कोड करें हर एक चीज़ को एक बार जरूर रिवाइज करते जाएं, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ हैज इंक्लूड क्या है, एक प्री प्रोसेसर। हैज इंक्लूड क्या करना है, एस टी आई ओ डॉट एच को इंक्लूड करना अपने फाइल में, तो हमने कहा एस टी डी आई ओ डॉट एच। सजेशन आ रहा है लेकिन मैं पूरा टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी सजेशन आने दीजिए पर टाइप पूरा कीजिए, इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ सेव किया। तो अब हमको देखना है कि जब मैं किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करता हूँ, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से, तो क्या होता है, जो वैल्यू है वो वैल्यू किसी भी टाइप की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वेरिएबल जिस टाइप का हो उस टाइप की वैल्यू में यहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये वेरिएबल बनाया, ये एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है ना। उसमें मैंने वैल्यू क्या डालनी चाहिए, मुझे वैल्यू डालनी चाहिए एक इंटीजर वैल्यू, 2, 3, 4 इस तरह की इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करनी चाहिए। लेकिन आपने इसमें क्या किया, फ्लोट वैल्यू इंसर्ट कर दी, 2.54 इंसर्ट कर दिया, 2.55 इंसर्ट कर दिया। तो इस केस में क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब हमने एक वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, इक्वल की हेल्प से असाइन करते हैं, जब हम किसी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल में, तब ये जो वैल्यू है वो इस डेटा टाइप के, जिस डेटा टाइप, ये क्या है, इंट है, तो ये जो वैल्यू है वो इंट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कन्वर्जन, असाइनमेंट के टाइम पे होने वाला ही कन्वर्जन है, ओके। सो टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स, ठीक है। तो वही हम देखेंगे कि कौन सा वैल्यू कैसे इसमें कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक इंट वेरिएबल क्रिएट किया, मैंने कहा इंट एक्स इज इक्वल टू, मैंने इसमें फ्लोट वैल्यू असाइन करना है, तो मैंने यहाँ पर कहा 23.56 असाइन किया। लेकिन ये जो इंट वेरिएबल है इसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि ये जो दशमलव वाली वैल्यूज है उसको अपने अंदर रख सके, इसकी केवल इतनी ही ताकत है कि वो एक इंटीजर वैल्यू को रख सकता है। तो ये जो बाकी का वैल्यू है ये कहाँ जाएगा, वो बाकी का वैल्यू लॉस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि इसकी क्षमता है वो 5,500 लीटर की, लीटर्स में आप पानी रख सकते हो, आपने इसमें 1,000 लीटर पानी डाल दिया तो क्या होगा, इसकी क्षमता है 500 लीटर की, तो ये 500 लीटर बस रखेगा, जो बाकी का 500 लीटर है वो इसमें से बाहर निकल जाएगा, मतलब कि वो वेस्ट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर है, तो उसमें केवल 23 आ सकता है इंटीजर वैल्यू, ये जो वैल्यूज है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो उसमें जो लॉस हो जाएगा वैल्यू का, और जो हमारी जो फ्लोट वैल्यू थी, ये जो वैल्यू है वो एक इंट में अब कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं जैसे उसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट एफ, मैंने यहाँ पर कहा परसेंट डी, और यहाँ पर मैंने कहा एक्स, ठीक है। नाउ सेव किया, सेमी कोलन लगाएंगे लास्ट में, टर्मिनेट करेंगे इस लाइन को, एंड देन उसको रन किया, ठीक है। तो अभी आप देखोगे जो 23.56 मैंने असाइन किया हुआ है इंट में, वो 23 हो गया, मतलब कि वो इंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर परसेंट डी इसलिए हुआ, अगर मैं परसेंट एफ यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि वो इंट है और मैं उसको परसेंट एफ की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, मतलब फ्लोट की तरह ट्रीट कर रहा, तो ये आंसर हमको नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो इंट में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देखिए, अगेन मैंने एक इंटीजर एफ, सॉरी फ्लोट क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर, हमने यहाँ पर कहा फ्लोट एफ इक्वल, अब मैंने इसमें एक्स को असाइन कर दिया। तो इस केस में क्या होने वाला है कि यहाँ पर ये जो एक्स है, एक्स में क्या है, 23 है, क्योंकि जो 23.56 था ये फ्लोट था, लेकिन एक्स में जब मैंने इसको इंसर्ट किया तो ये इंट है, तो ये जो 23.56 था ये इंट में कन्वर्ट हो गया। इंट में कन्वर्ट होने के बाद इसका फाइनल वैल्यू था 23। नाउ उस 23 को मैंने अगेन फ्लोट में डाल दिया, फ्लोट मतलब कि ये जो है दशमलव वैल्यू उसको रखता है ना। 23 को जब मैं इसके अंदर डालूंगा तो ये जो 23 है इंट, ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोट में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, 23 को हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, 23.000। तो ये इस तरह से जो फ्लोट वैल्यू में ये कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ मैं अगर यहां पर मैं एफ को प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे कि जो 23 है वो फ्लोट में कन्वर्ट होकर 23.0000 हो जाएगा। तो जो वैल्यू है वो तो आखिरकार लॉस हो ही गया। अगर मैं यहां पर कोई दूसरा वैल्यू डाल दूं, मैंने कहा 12, 10 इंसर्ट किया, तो वो इंटीजर मैंने इंसर्ट किया लेकिन वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया प्रॉपर। इसी तरह से कैरेक्टर के लिए भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने उनको यहां से रिमूव किया, मैंने यहां पर एक कैरेक्टर असाइन किया। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हर एक कैरेक्टर का एक इंटीजर वैल्यू होता है, इंटीजर वैल्यू जिसको हम कहते हैं आस्काई वैल्यू। तो अगर मैंने ए मैंने असाइन किया है एक इंट वेरिएबल को, लेकिन इंट को चाहिए नंबर,
ठीक है, एक इंटीजर, तो ये जो कैरेक्टर है ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ ए का अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ तो 65 आता है, तो वो जो 65 है वो ए में असाइन हो जाएगा, देन एक्स में असाइन हो जाएगा, और एक्स को हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पर आ गया ये परसेंटी क्योंकि इंट है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पर 65 हो जाएगा। तो असाइनमेंट के टाइम पे इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है कोई भी वैल्यू जब इसको इंसर्ट करते हो आप किसी दूसरे टाइप के वेरिएबल में, किसी दूसरी टाइप की वैल्यू को, तो वो वेरिएबल के हिसाब से कन्वर्जन हो जाता है वहाँ पे। ओके, बस इतना ही है इस वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।